I thank God for today's encouraging words. और परमेश्वर ने आज प्रोत्साहन करने वाली बातों को सुना, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. We heard that Jesus suffered. हमने सुना कि यीशु मसीह ने सतावट को सहा. We can see Luke chapter 24 verse 46. और लूका का 24 का 46 में हम देख सकते हैं. एंड आइसाया चैप्टर 53 वर्स 3-10. और यशाया उसका 53 का 3-10. ऑल द डिसिपल्स ऑफ जीसस आल्सो सफर्ड. यीशु मसीह के सारे चेले वो भी सारे सतावट को सह लिए. वी नो ऑल द गॉडली मेन ऑफ बाइबल, अब्राहम, इनोक, नोवा, जोब, All suffered. और हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में देवे सारे धार्मिक लोगों को जब हम देखते हैं, उन्होंने भी, जैसे अब्राहम है, हनोक है, नुआ है, वो सारे लोग परमेश्वर के खातिर सतावट को सहा. 1 Corinthians chapter 4:11. पहला कुरिन्थियों उसका 4:11. हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं. 12:13. लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं. वे सताते हैं, हम सहते हैं. वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं. हम आज तक जगत के कूड़े और वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं. Yes. Paul also suffered a lot. पौलुस भी बहुत सतावट को सहा. Here verse 13 says, we have been made as the filth of the world. और उसी अध्याय के 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि हम इस जगत के कूड़े के समान बन गए हैं. Now just now we have seen second Peter. अभी हमने देखा दूसरा पत्रस में. Chapter 3 verse 12. और दूसरा तीसरा अध्याय वचन 12. Yes. And all who decide to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. First Peter chapter 3 verse 12. पहला पत्रस तीसरा अध्याय वचन 12. क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों. Jesus suffered. यीशु ने सतावट को सहा. All his disciples suffered. उनके सारे चेलों ने सतावट को सहा. If we want to follow the footstep of Jesus, we will also be suffered. और यदि हम यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलना चाहते तो हमें भी सतावट के जरिए से जाना होगा. So, as brother told, if you don't have any suffering trials, it is doubt that we are following Jesus Christ. तो जैसे भाई ने बताया था कि यदि हमारे जीवन में कोई क्लेश, परीक्षा या परेशानी नहीं है तो वहाँ पे एक संदेह है कि क्या हम निश्चय यीशु मसीह के पीछे ही जा रहे हैं क्या? What should we do? तो हमें क्या करना है? Endure. हमें सहना है. Those who endure till last will be glorified. और जो आखिर तक सहते हैं उनकी वो महिमा किए जाएंगे. If we suffer with him, we will reign with him. और यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ साथ राज भी करेंगे. There is no person in the world who has no suffering. और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस जगत में जो कोई सतावट के जरिए से नहीं जा रहा. While we suffering, what should we do? जब हम सतावट के जरिए से गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना है? James chapter 5 verse 13. और याकूब उसका 5वें अध्याय वचन 13. Please read, sister. 5:13. यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे. यदि yes. आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए. Yes. If we are suffering, we have to pray. यदि आप दुखी हो सतावट के जरिए से जा रहे हैं तो आपको प्रार्थना करना है. Jesus prayed. यीशु ने प्रार्थना किया. Paul prayed. पौलुस ने प्रार्थना किया. Acts chapter 16 verse 25. और प्रेतों के काम 16वें अध्याय वचन 25. If you see, Paul prayed while he was in
इनर जेल और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जेल में रहते हुए पौलुस ने प्रार्थना किया सो वी आल्सो हैव टू प्रे तो हमें भी प्रार्थना करना है गॉड इज फुल ऑफ मर्सीज परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है फुल ऑफ लव प्रेम से भरा हुआ है फुल ऑफ कंपैशन और तरस और दया से भरा हुआ है ही विल डिलीवर अस फ्रॉम ऑल आवर सफरिंग्स और हमारे सारे जो क्लेश है परेशानियों से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा ऑल आवर ट्रायल्स हमारे सारे जो क्लेश है परीक्षा से सो ब्रदर टोल्ड स्नेक और ब्रदर ने सांप का उदाहरण दिया था सो वी आल्सो हैव टू से थैंक टू गॉड तो हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है टू रिवील सो मेनी स्नेक्स इन आवर हार्ट्स कि हमारे हृदय में कितने सारे सांप हैं उसके बारे में हमें प्रकाश में लाने के लिए गॉड गेव मी ग्रेस टू फाइंड आउट सो मेनी स्नेक्स इन माय हार्ट परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मेरे हृदय में इतने सारे सांप के बारे में मुझे पता चले थैंक गॉड फॉर ऑल द स्नेक्स और मैं मेरे सारे सांपों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं एवरी डे आई बीट All the snakes. रोज हर एक सांप को मैं मारता हूँ Sometimes by mistake I feed the snake by milk. कई बार गलती से उसी सांप को मैं दूध भी पिला लेता हूँ Instead of giving gift to that person, I am cursing that person. कई बार किसी व्यक्ति को भेंट तोहफा देने के बजाय जो है मैं उसको श्राप देता हूँ God has even given so many people to change like you. और परमेश्वर चेंज लाइक जीसस परमेश्वर ने हमारे आसपास में कितने सारे लोगों को रखा है इसीलिए ताकि हम यीशु के समान बदल जाएं सफरिंग विल चेंज यू सतावट आपको बदल देगी सफरिंग विल चेंज यू लाइक जीसस क्राइस्ट सतावट आपको यीशु मसीह के समान होने के लिए बदल देगी दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ और ये हमारे जीवन में सबसे सर्वोत्तम आशीष है व्हाटएवर सफरिंग जो कोई भी सतावट हो God will change. परमेश्वर बदल देगा As per Roman 8:28. जैसे रोमियो के 8:28 में To be good. वो भलाई के लिए उत्पन्न करने के लिए What is that good? As brother told now, to be good, to change like Jesus. और वो भलाई क्या है कि हम यीशु के समान हम बदल जाएंगे So we thank all the people who have shown us our snakes in our heart. इसलिए हमें सारे लोग जो उनको धन्यवाद देना है ताकि उनके बर्ताव के जरिए से हमारे जीवन में से जो सांप बाहर निकला है हमको पता चला है We always pray. हमने हमेशा प्रार्थना किया है We all have tasted a sweet halwa. हम सभी लोगों ने मीठी हलवा का स्वाद लिया है चिकन बिरयानी और चिकन बिरयानी का स्वाद लिया है हॉट मसाला मिल्क हॉट गरम गरम मसाला दूध का चख लिया है What is happening? तब क्या होता है आई वाज ए पर्सन वाचिंग दिस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हाइल प्रिपरेशन और मैं ऐसा एक व्यक्ति था कि जब ये सारे पकवान को बनाया जा रहा था उसकी जिस तरह से वो पकाया जाता था उसको मैं देखता था व्हेन हलवा इज प्रिपेयर्ड ही कीप्स सम फ्लेम पर्टिकुलर काइंड ऑफ फुल फ्लेम और वो जब हलवा बनाने की विधि होती है वो पकाने के वक्त में वो जो आँच है बहुत तेज होता है He is grinding like this anything. और बहुत बहुत पूरी तरह से जोर के साथ वो उसको हिलाता है Then one particular smell and color comes immediately he puts up. फिर जैसे ही वो पकाने के साथ साथ जैसे ही वहाँ पे उसका खुशबू आता है एक तरीके का खुशबू और रंग चढ़ जाता है वो आँच को बंद कर देता है आई लाइक हॉट मिल्क मुझे गरम दूध बहुत पसंद है When I milk is boiled, I am watching. और जब जैसे दूध उबलने लगता है मैं उसे देखता हूँ Then boiling, 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 that foam comes, it comes before it falling, my wife puts up. और जैसे ही दूध उबलने लगता है उसमें फेन चढ़ने लगता है ऊपर आता है और जब गिरने से पहले बर्तन से नीचे गिरने से पहले मेरी पत्नी गैस को बंद कर देती है Like this we have tasted so many chicken biryanis at church. और इस तरह से हमने कितने सारे चिकन बिरयानी कलीसिया में भी उसको खाया है Well cooked. अच्छी तरह से पका हुआ Well proportionally mixed with masala and chicken. और सही तरीके के मसालों को उसको सही मिश्रण में क्वांटिटी में मिक्स किया हुआ This all kinds of tasty things comes
आफ्टर सफरिंग और ये सारे जो स्वादिष्ट पकवान है वो एक सतावट से जाने के बाद हमारे सामने तैयार होकर आता है यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इफ वी सफर फॉर जीसस यदि हम यीशु मसीह के लिए सताए जाने के लिए तैयार हैं वी विल बिकम लाइक जीसस हम यीशु के समान बन जाएंगे ऑल द स्विच ऑफ फ्लेम इन हिज हैंड और सारा जो आज को शुरू रखना या बंद करना ये सारा जो नियंत्रण है परमेश्वर के हाथ में है प्रेज़ गॉड परमेश्वर की स्तुति हो